चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आपके लिए खुशखबरी है और तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप मुझे पर्सनल तौर पर मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और उससे आप जानकारी ले सकते हैं। याद रखें, एतवार का वो दिन ना हो। दूसरी बात, अगर आप ले हैंड प्रार्थना करवाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं आपके हाथ रखकर प्रार्थना करूं, तो आपका स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे टाइम ले सकते हैं। हाँ, हमारी कोई फीस नहीं है, ठीक है, हमारी कोई फीस नहीं है, किसी भी बात में हमारी कोई फीस नहीं है। और तीसरी बात, अगर जैसे हमारे पास बहुत से पास्टर लोग जो हैं, उन पास्टर साहबान के फ़ोन आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन होकर, यानी कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के द्वारा उनसे बात करूं, जब वो अपनी कलीसिया को इकट्ठा करके रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके चर्च के लोगों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूं और उन्हें मैं परमेश्वर का वचन सिखाऊं कि कैसे अपने पास्टरों के साथ मिलकर प्रभु में आगे बढ़ना है, तो आप उस दिन वीडियो कॉल कर सकते हैं। जिस दिन अपने अपने चर्च के लोगों को आप थोड़ा सा इकट्ठा करके रखेंगे और वीडियो कॉल से आप जो है, मैं आपको टाइम दूंगा 25 मिनट आधा घंटा कि मैं उनके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आप जब उनको इकट्ठा करते हैं तो पहले से आप अपनी आराधना कर लीजिए जो आपने करना है, उसके बाद आप जो मेरे से टाइम रखेंगे उस समय में मैं उनके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे चर्च पवित्र आत्मा वाली चर्च सब इसी नाम से पहचानते हैं। तो प्रभु की बड़ी बड़ी दया है, प्रभु का बहुत अनुग्रह है। तो आप उस दिन लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन एतवार के दिन नहीं हो सकता आपको मालूम है, और उसके लिए भी आपको समय पहले ले लेना है ताकि हम लोग आपको वो समय दे सकें, ठीक है। और ये तीनों बातों के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। हम सरकार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते और ना ही हम सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम सरकार की आज्ञा अक्षर बर अक्षर पूरी करना चाहते हैं और सरकार की आज्ञा में से कोमा या फुल स्टॉप भी हटाना नहीं चाहते। तो जैसे सरकार कहती है वैसे हम लोग चलना चाहते हैं। तो इसलिए सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन, उसका पालन करते हुए आप ये तीनों बातें हैं आप अपने ध्यान में रख सकते हैं और हम आपके लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष करें और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।